Renowned Indian artist Sudarshan Patnaik paid his obeisance to former President Dr. APJ Abdul Kalam by creating a sand sculpture on the banks of Puri beach in Odisha. Kalam, the 11th President of India, died of cardiac arrest at the age of 83 on Monday while delivering a lecture in Meghalaya. Recalling his meeting with Kalam, Patnaik said that he would not be able to forget those moments. मैं कलाम सर को फर्स्ट टाइम मिला था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था. मैं आज एन सैंड आर्टिस्ट, तब मैं एक कॉमन सैंड आर्टिस्ट था जब रेत में सैंड स्कल्पचर क्रिएट कर रहा था. मैं मुझे फर्स्ट टाइम उन्होंने इनवाइट किया था और बुला के इतना बड़ा सम्मान दिए थे. वो मेरे जीवन में मैं कभी नहीं भूलूंगा. जब मेरे पास पहनने के लिए एक शर्ट और पेंट अच्छी तरह से नहीं था और तब मेरे पास इतना सामंजस नहीं था कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट करके बोल सकता हूँ. तब उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और इनवाइट करके उनके पर्सनल अकाउंट से मुझे 3000 रुपीज़ के चेक दिए थे वो. और मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब वो मेरे सर पे हाथ रखे थे और मुझे आशीर्वाद दिए थे. Kalam was a renowned scientist who served as the President of India from 2002 to 2007. He was born in Rameswaram on October 15, 1931 to a boatman. Correspondent Hari Bharti from Puri for ANI.